जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन की, बीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू भर्ती 2023 की। ट्रेड्समैन ये कांस्टेबल ही होते हैं, लेकिन इन लोगों का अलग अलग ट्रेड होता है कि ये इस ट्रेड में वर्क करेंगे, ये इस ट्रेड में वर्क करेंगे। इस तरह से इन लोगों का एक सेपरेट वर्क हो जाता है कि इन्हें ये वर्क स्पेशली, ये लोग इस वर्क के लिए हुए हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं इस काम के, तो वो लोग होते हैं ट्रेड्समैन। तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली भर्ती के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, इसकी एज क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। सैलरी क्या रहेगी, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएसएफ ट्रेड्समैन की बेहतरीन बुक के बारे में, जो कि निकल कर रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। देखिए यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 2450 एक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 100% गारंटी होगी कि आपके सिलेक्शन कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि चाहे वो रेट बहुत अच्छा है इसका, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टोटल पोस्ट कितनी है। इसमें 1284 टोटल पोस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों कंबाइंड हैं इसमें। तो मेल की कितनी है, 1220 हैं, और फीमेल की हैं 64 फीमेल हैं और 1220 मेल है, फीमेल है 64 वैकेंसी। अब एज क्या रहेगी इसकी, एज रहेगी 18 से 25 साल। 18 से 25 साल जिसकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन आपका वही रहेगा जैसे होता है रूल के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे इसके, देखिए फरवरी के लास्ट वीक से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अभी एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस आया है कि ये ट्रेड्समैन की भर्ती निकल रही है, इतनी भर्ती हैं इस कैटेगरी में, इतनी भर्ती हैं और ये ट्रेड्स की है भर्ती। ये एक छोटा सा नोटिस आया तो उसका मैंने एक वीडियो बना दिया। जब इसका पूरा नोटिस आ जाएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से क्या है, सब पूरा एक डिटेल। लेकिन अभी एक अनुमान मान लीजिए कि आप फरवरी लास्ट से इसके फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th प्लस जिस ट्रेड का जो बंदा है, जिस ट्रेड में जो भरना चाहता है उसका एक्सपीरियंस चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। कुक, वाटर कैरियर और वेटर की क्या है, 10th प्लस तो होना ही चाहिए, ट्रेड की जानकारी भी होनी चाहिए, साथ में NSQF का लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन तीन लोगों के लिए, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए ये NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया है। हाइट की बात कर लें, 165 मेल की हाइट है, 75 से 80 के बीच चेस्ट होना चाहिए मेल का, और फीमेल की हाइट है 155 फीमेल की हाइट है। रनिंग, इसमें रनिंग भी होगी, रनिंग क्या होगी, तो मेल की रनिंग कितनी है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में होगी, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट रनिंग करनी है मेल को। फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में करनी है, 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं हम, चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। सिलेबस में लास्ट में बताऊंगी, उसमें ज़्यादा ध्यान देना। तो सैलरी कितनी होगी, 21,700 से 69,100 रुपये इसकी सैलरी होगी। अलाउंसेस अलग रहेंगे, ये एक जो बेसिक सैलरी है वो बताई है। अब वैकेंसी डिटेल में वैकेंसी सुन लीजिए, किस में कितनी वैकेंसी है, किस किस के लिए। कोबलर की 22 वैकेंसी हैं। पहले तो हम सबकी बता दें टोटल ट्रेड की कितनी वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी की जो है वो 535 हैं, EWS की 111 हैं, OBC की 279 हैं, SC की 197 हैं, ST की 98 वैकेंसी हैं। अब अलग अलग वैकेंसी देख लीजिए किस में कितनी वैकेंसी है। कोबलर में है 22 वैकेंसी, टेलर की है 12, कुक की 456, वेटर की 5 और वाटर कैरियर की 280, वॉशरमैन की 125, वार्वर की 57, स्वीपर की 263। टोटल कितनी होगी, 1284 टोटल होगी, 1284। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, GK आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी है, इंग्लिश, जो एक आपका चॉइस होगी वो। तो GK 25 क्वेश्चन, मैथ में भी 25, रीजनिंग में भी और हिंदी या इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे। सब पोर्शन से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन।
25 मार्क्स का होगा, यानी कि वन क्वेश्चन वन मार्क, ठीक। तो टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 2 घंटे आपका टाइमिंग रहेगा कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने हैं। ये सब तो था आज की वीडियो में। किसी की कोई भी जानकारी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो में, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।